नो नेक्स्ट इज क्वाडरिक सरफेस नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्वाड्रिक सरफेस क्वाड्रिक सरफेस क्या होता है द ग्राफ ऑफ टू डिग्री ये टू डिग्री ऐसे लिखो ऐसे लिखो इक्वेशन टू डिग्री इक्वेशन टू डिग्री इक्वेशन का मतलब आपकी जो इक्वेशन होगी दो डिग्री की होगी इन एक्स कॉम वाई कॉम जेड ऑफ द फॉर्म ये एक्स स्क् प्लस बी वाई स्केयर प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी जीरो नॉन जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रिक या क्वाड्रेटिक surface और सेकेंड डिग्री surface इसको इस इक्वेशन को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक सरफेस या क्वाड्रिक सरफेस मतलब दो डिग्री की जो इक्वेशन होगी कुछ इस तरह की उसको नाम देंगे हम क्वाडरिक सरफेस या क्वाड्रेटिक सरफेस या सेकेंड डिग्री सरफेस क्वेश्चन नंबर फाइव स्ट्रेन क्वाड्रिक ऑफ क्वाची ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डिस्कस स्ट्रेन ऑफ ये ने दिया था रिजल्ट एंड हेंस प्रूव दैट ई आई जे इज टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर पहले तो बोल रहा है कि स्ट्रेन क्वाट्रिक होती क्या है फिर तो प्रूव करना कि ये ई आई जो है वो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर होता है इसका ऑर्डर जो है दो होगा ठीक है और प्रूव दैट स्ट्रेन क्वाड्रिक ऑफ क्वी रिमेन्स इन वेरियंट विद रिस्पेक्ट टू तो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन अब ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती हैं ये आप बेसिक्स में देख चुके हैं ऑफ एक्सिस बोलता अगर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इट इज रिमेन एज इट इज़ और और कैसे पूछा इसको शो दैट ई डैश अल्फा बीटा अब यहाँ पर बजाय आई जे के यूज़ करने के उसने अल्फा बीटा यूज़ कर ली तो ऐसे भी पूछा जाता है पेपर में तो ये आपने ध्यान रखना है तो ई डैश बीटा इक्वल टू एल अल्फा आई एल बीटा जे ई आई जे मतलब बिफोर डिफॉर्मेशन अगर स्ट्रेन है आपकी ई आई जे तो आफ्टर डिफॉर्मेशन स्ट्रेन बन जाएगी ई डैश बीटा एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज एल अल्फा आई एल बीटा जे ई आई जे यूजुअल मीनिंग्स और आपको बताना चाहिए ये क्या होते थे ये होते थे डायरेक्शन कोसाइन साइन आपको पता है अब? क्या होते हैं जब कोई लाइन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा बनाए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा जो होते हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्शन को और उन डायरेक्शन को साइन को हम लिख रहे हैं यहाँ पे एल आई जे एल वन वन एल वन टू एल वन थ्री एल टू वन एल टू टू वो जो कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एल आई जी ठीक है जी वे यूजुअल मीनिंग्स और कैसे पूछा शो दैट एक्सटेंशन ऑफ एनी लाइन थ्रू पी जीरो मतलब पी जीरो पॉइंट से कोई भी लाइन अगर आप बनाते हैं तो उसमें जो भी एक्सटेंशन आती है आफ्टर डिफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस वेक्टर अब रेडियस वेक्टर का रेडिस बताता हूँ आगे जाके तो बोलता है कि वो जो वो जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन का मतलब वो जो चेंज आ रही है लंबाई में जो चेंज आ रही है चीज वही है एज इट इज राइट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन जो चल रहा है कि आफ्टर डिफॉर्मेशन जो लेंथ में चेंज आ रही है दैट चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडिस वेक्टर दैट रन्स अलोंग द लाइन फ्रॉम पॉइंट एक्स आई नॉट जो कि एक्स आई नॉट पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो आंसर द एलोंगेशन एलोंगेशन होता है डिस्टेंस ऑफ एनी वैक्टर ए वक्टर ये वैक्टर आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन पी जीरो टू पी पी जीरो से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस डिफाइंड फ्रॉम पॉइंट पी जीरो टू पी कैन बी डिटर्मिंड फ्रॉम पॉइंट पी जीरो ऑफ कॉन्टीन्यूस मीडियम टू विच वी विल एसोशिएट आर क्वाडरिक सर्फिस नोन एज क्वाडरेटिकिफॉर्मेशन

मतलब बोलने का इसका ये है यहाँ पे कि अगर ये आपकी कर्व है ये इसका टेंजेंट हो गया तो इस टेंजेंट के ऊपर जो प्रपेंडिकुलर होगा ये होगा नॉर्मल और ये अंदर की तरफ भी हो सकता है बाहर की तरफ भी हो सकता है तो अब यहां पर क्या किया हमने अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया हमने क्या किया ये जो पी जीरो टू पी जीरो से लेकर पी तक का जो रेडिस वेक्टर था ए वेक्टर इसको बोलते हैं रेडिस वेक्टर ये दिस इज गॉट रेडिस वेक्टर पी जीरो और पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दिस इज रेडियस वैक्टर बिफोर डिफॉर्मेशन और आफ्टर डिफॉर्मेशन इसमें चेंज आती है जो अभी तक देखते हैं यहाँ कर क्या कि हमने इस रेडिस वेक्टर को एसोशिएट कर दिया इस सरफेस के साथ बस और एसोशिएट करने के बाद फिर देखा क्या कुछ हुआ यहाँ पे उसी की स्टडी है बाकी एक चीज़ का और ध्यान रखना आपने यहाँ पर कई तरीकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ तक लिखना है ये तुमने डिसाइड करना है ये तुमने देखना है, देख है ध्यान रखना है इस चीज़ का ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ सो so, इनिशियली ये है हमारी वो एक्स एक्सिस ओ जेड एक्सिस ओ वाई एक्सिस ये ले ली इस इस ये जो ओरिजिनल ओ एक्स वाई जेड एक्सिस है इसके पैरल हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये एक्सिस ली ये पी जीरो पॉइंट ये पी पॉइंट ये पी जीरो से पी को जॉइन करने वाली लंबाई इसको बोलते हैं हम रेडिस वेक्टर और ये है वो क्वाड्रेटिक सर्फिस मतलब जो जो क्वाड्रेटिक सर्फिस की इक्वेशन थी जब उसको जोमेट्रिकली ट्रेस करेंगे तो दैट तो ऑलवेज तो तो रिप्रेजेंट्स सम कर्व इसको बोलते हैं रेडिस वेक्टर ये जो पी जीरो टू तो पी आपका लेंथ है विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वैक्टर दिस इज कॉडरेडिस वैक्टर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर एक से ज़्यादा होगी तो उस केस में वो सरफेस हमेशा किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा जोमेट्रिकली मतलब जब उसको आप ऑग्राफिकली ट्रेस करेंगे तो वो किसी सर्फेस को रिप्रेजेंट करेगी तो वो सर्फेस ले ली मैंने जी तो इस रेडिस वैक्टर को मैंने एसोशिएट कर दिया इस क्वाड्रेटिक सर्विस सर्फिस के साथ अब एसोशिएट करने के बाद अब यहाँ क्या कुछ हुआ वो हमें स्टडी करना है ठीक है जी हमने क्या किया यूनिट वैक्टर ले लिया हमने इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन डेट ई आई कैप आर यूनिट वैक्टर अलॉन्ग एक्स आई एक्सिस कोई दिक्कत नहीं इंट्रोड्यूस कोऑर्डिनेट एक्सिस ये इंट्रोड्यूस किया हमने ओ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री इंट्रोड्यूस कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स आई विद ऑरिजिन पी जीरो ध्यान रखिए ओरिजिनली जो ऑरिजिनल है वो ओ है लेकिन जो हमने कंसिडर किया इसका ओरिजिन हमने ले लिया पी जीरो

इन क्लियर कट हेयर ए वेक्टर या ए आई वैक्टर इज निस एक्स आई माइनस जीरो नॉट दिस इज जीरो दिस इज जीरो ध्यान रखना है तो एक्स आई नॉट इज जीरो इन्फाइना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर प्योर डिफॉर्मेशन अभी आप कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में ये डेल ए आई इक्वल टू ए आई जे ए जे बार बार आ रहा कंसेप्ट ये और एंड ए इंटू डेल ए आई इंटू डेल ए आई बार बार वही चीजें आ रही हैं डेल ए आई की वैल्यू पुट कर दी वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड ए स्केर से डिवाइड कर दिया ए स्केर से डिवाइड करने के बाद ये बन गया आपका डेल ए बटा ए ई आई जे ए आई ए जे बटा ए स्केर ठीक है और बट एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल ए इज डिफाइंड बाई एक्सटेंशन मतलब इस ए वेक्टर में जो लंबाई में फर्क पड़ा दैट दैट

तो अब इसको ई को उठाया इस ई को उठाया और यहाँ डाल दिया डेल ए बटा ए इसको ई को यहाँ डाल दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा ई ए स्केयर इक्वल टू तो ई आई जे ए आई ए जे ये आ गया ई आई जे ए, ए, आई, जे ए आई, आई, आई ए जे ए आई क्या है अभी दिखाया आपने ए आई क्या है एक्स आई ए आई क्या है एक्स आई तो ए जे क्या बन जाएगा एक्स जे ये आ गया यहाँ पे ठीक है ई आई जे ए आई बन गया एक्स आई ए जे बन गया एक्स जे एंड टू नंबर वन

एंड दिस इज इक्वल टू ई आई जे एक्सप दिस इज ऑफ द फॉर्म ई आई जे एक्स आई एक्स जे सपोज दिस दिस क्वार सर्फिस इज ऑफ द फॉर्म ई आई जे एक्स आई एक्स जे सो दैट ये हमने इस तरीके से लिया ये नंबर टू इस तरीके से लिया कि एंड पॉइंट ऑफ ए वैक्टर लाइज ऑन द क्वाटेटिक सर्फिस मतलब ये सर्फिस आपने इस तरीके से कंसिडर किया कि ए वैक्टर के, के एंड पॉइंट जो है इस सर्फिस के ऊपर लाई कर जाए आपने देखा यहाँ पे इस पी के पॉइंट जो है इस ए वैक्टर का ये जो एंड पॉइंट है वो सर्फिस के ऊपर आ जाए ठीक है जी ये चॉइस है भर के सॉरी सो दैट एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर सर्फेस टू जी एक्स आई टू जी अब एक्स वन एक्सप्रो एक्स लिखने बजाय इसको लिख दिया और इसको मान लिया हमने प्लस माइनस के स्केर ये याद करना पड़ेगा आपको आई एम सपोजिंग ई आई जे एक्स आई एक्स जे इज इकूड प्लस माइनस के स्केयर वेर के इज एनी रियल कॉन्स्टेंट एंड साइन इज सो चूजन साइन मतलब आई वी विल टेक इट इज प्लस के स्केर और इट इज माइनस के स्केयर तो दिस इज़ सो चूजन दैट इट मेक्स द सर्फेस रियल तो ये साइन आप इस तरीके से चूज करेंगे कि आपका सर्फेस जो है वो रियल रहना चाहिए ये हो सकता है कि दोनों साइन लेकर रियल हो जाए हो सकता है प्लस लेकर रियल हो जाए हो सकता है माइनस लेकर रियल हो जाए तो ये हमारी चॉइस रहेगी कि जिस साइन की वजह से सर्फेस रियल होगा हम सिर्फ उसी साइन की बात करेंगे यहाँ पे ठीक है जी उसके बाद नाउ फ्रॉम वन टू एंड थ्री ये वन है ये टू है ये थ्री है ई ई ई आई 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 जे 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 एक्स 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 के बराबर e I J, X I X J इसके बराबर इसके और ये जो है वो इसके बराबर तो सारे बराबर हो गए ठीक है जी तो दिस एम्प्लाई ई ए स्के प्लस माइनस के स्केयर ई e निकालिए तो प्लस माइनस के स्केर बटा ए स्केर तो प्लस माइनस स्केर इज कॉन्स्टेंट प्लस माइनस के स्केर इज कॉन्स्टेंट इस तो इसका मतलब दिस ई इज प्रोपोर्शनल टू अपॉन ए स्केर और मेरे को लगता है यहां पर आके ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया आपका कि ये जो चेंज आ रही है दिस चेंज इज इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ हमने प्लस माइनस के स्क्वायर नंबर पांचन नंबर फोर शोज दैट एक्सटेंशन ऑफ एनी वैक्टर ए वैक्टर मतलब आफ्टर डिफॉर्मेशन ए वैक्टर में जो चेंज आई फ्रॉम पी जीरो टू पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ रेडियस वैक्टर ओके वेर पी ऑफ एक्साइड लाइज ऑन टिक सर्फेस अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली मैक्सिमम एंड मिनिमम एलोंगेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ क्वाडरेटिक सर्फेस नंबर फाइव अब ये बड़ी दूर की बातें हैं अगर आपको याद हो तो प्लस वन प्लस टू में सॉरी प्लस टू क्लास में आप मैक्सिम मिनिमम पढ़ते थे और मैक्सिम मिनिमम निकालने के लिए आप एक कर्व की इक्वेशन लेते थे उस कर्व की इक्वेशन के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो था वो उस कर्व की टेंजेंट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता था और उस स्लोप की हेल्प से फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते थे तो वो सारी कहानी यहाँ पर एक लाइन में लिख दी है कि इस सरफेस की जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो ये सरफेस डिफाइन ये डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट वेयर लाइन बिकम्स टेंजेंट एट दिस सरफेस ओके तो यहां पर आके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसकी कॉन्टीन्यूटी है ट्रांसफॉर्मेशन की नाउ लेट क्वार्रिक सरफेस ऑफ डिफॉर्मेशन फाइव पांच को कॉन्टिन्यू किया बी सब्जेक्टेड टू रोटेशन अब हमने क्या किया ये नंबर पांच आफ्टर डिफॉर्मेशन जो आपका नंबर पांच क्वाड्रेटिक सरफेस आया उसको अब हमने दी रोटेशन और रोटेशन इस तरीके से दी कि आफ्टर रोटेशन जो ओल्ड एक्साइड एक्सिस थी दे कन्वर्टेड टू तो एक्साइड डैश एक्साइड डैश वी विनो अब ये सारा मैं बता चुका हूँ पहले आपको दिस इज ऑल इन बेसिक्स ये मैंने टेबल दिया दिस इज न्यू एक्सिस एंड ओल्ड की respect to new and new की respect to old, ये आपके पास है ठीक है जी ये जो रो है ये जो रो है दे रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन को साइंस ऑफ न्यू एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड और ये जो कॉलम है दे रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओल्ड विद रिस्पेक्ट टू न्यू वेयर एल आई जे इज डेक्शन साइन ऑफ एंगल बिटवीन एक्स साइड एंड जे एक्सिस द ओल्ड एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर रिलेटेड बाई द रिलेशन और इनके बीच में जो रिलेशन होता है ये छः रिलेशन बनते थे अगर आपको याद हो बेसिक्स में जाइए आप लोग बेसिक्स में कहाँ पर जहाँ पर आपने आ, ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन की डेफिनेशन की होगी उसके आस पास ये रिलेशन लिखे होंगे तो इन छः जो छः यहाँ पर जो तीन सेट बनते हैं मतलब टोटल छः क्वेश्चन बनती हैं रिलेशन की दे आर गिवन वाई थ्री आर गिवन बाई थ्री सेट्स आर गिवन बाई एक्स आई इक्वल टू एल अल्फा आई एक्स डैश अल्फ़ा यहाँ पर आप अल्फ़ा यूज़ कर रहे हो वहाँ पर आपने के यूज़ किया होगा एक्साइज इज इक्वल टू एल के आई या एल जे आई एक्स डैश जे या के या तो के यहाँ पर हम अल्फा ले रहे हैं ये कॉन्सलेशन आया ओल्ड से न्यू की तरफ एंड इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से जाएगी न्यू से ओल्ड की तरफ इंतजार के भाई एक्स आई तो डैश इक्ल टू एल आई अल्फ़ा एक्स अल्फा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर हम सुफिक्स अल्फा यूज़ कर रहे हैं क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने अल्फा बीटा यूज़ किए हैं तो यह अब तुमने ध्यान रखना अगर अल्फा बीटा यूज किए हैं तो वी विल यूज अल्फा बीटा अगर आई जे के यूज किए तो वी विल यूज आई जे के और ये रिलेशन हम बेसिक्स में कर चुके हैं आल्सो वी नो ऑर्थोग्नैलिटी रिलेशन ये तो आया आपके ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन वाले रिलेशन ये जो और छत हैं दे आर द रिलेशन बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन अब लिख रहा हूं मैं ऑर्थोग्नालिटी रिलेशन और ऑर्थोगिटी रिलेशन भी आपने वहीं पढ़े हैं साथ साथ ही ये एल आई अल्फा एल जे डेल्टा आई जे एल अल्फा आई एल अल्फा जेव डेल्टा आई जे मैंने कहा था वहाँ पे कुछ जो सेम फिक्स so होता है उसको हम छोड़ देते हैं और बाकी जो बचता है वो डेल्टा के पैर में आ जाता है वैन क्वाड्रिक सरफेस ई आई जे एक्साइड एक्स जे प्लस माइनस के स्केयर इज रेफर्ड टू एक्साइड कोडिनेट बोलता इसको अगर हम न्यू एक्सिस की हेल्प से लें अ न्यू सेट ऑफ स्ट्रेन कॉम्पोनेट इज ऑल्सो फॉर्म इट इज वेरी मच क्लियर मैं फिर पिट कर रहा हूं अगर ई आई जे ओल्ड एक्सिस की वजह से स्ट्रेन टेंसर थे तो न्यू एक्सिस की वजह से आपको फिर स्ट्रेन टेंसर मिलेंगे वही लिख रहा है यहाँ पे अ न्यू सेट ऑफ स्ट्रेन कॉम्पोनेट आल्सो फॉर्म एंड लेट दीज आर डिनोटेड बाय ई बाई आई जे ओल्ड एक्सिस में अगर स्ट्रेन टेंसर ई आई जे हैं तो न्यू एक्सिस में मैंने मान लिया स्ट्रेन टेंसर आर ई डैश आई जे होंगे कुछ होंगे इतना तो क्लियर होंगे तो हमने ले लिया ये

क्योंकि नंबर फाइव भी प्लस माइनस के है नंबर केस भी प्लस माइनस के है तो दोनों बराबर हो गए आपस में और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर डिफॉर्मेशन no so, और आफ्टर डिफॉर्मेशन देर इज नो चेंज इन स्ट्रेन टेंसर क्वेश्चन नंबर नाइन इंप्लाइज दैट क्वाड्रिक्स फॉर्म ई आई जे एक्स आई एक्स जे इज इन वेरियंट अंडर ऑर्थोगनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस और यहाँ आके आपके एक और क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट ये पूछा गया क्वेश्चन की प्रूव करो कि ये इनवेरियंट होता है फर्दर अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर एंड क्वेश्चन अब सिक्स और नाइन को लेकर चले जरा कुछ नहीं किया मैंने नंबर सिक्स से नंबर से एक्स आई एक्स जे की वैल्यू उठाई और यहां पर रख दी नंबर नाइन में नंबर सिक्स से एक्स आई एक्स जे की वैल्यू उठाई ये और रख दी रखने के बाद ये आ गया उसका मल्टीप्लाई किया ई आई जे एल अल्फाई एलबीटा जो पहले लिख दिया एक्स अल्फा डैश एक्स बीटा डैश ई आई डैश बीटा एक्स डैश कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे इस आई को अल्फा से रिप्लेस कर दिया इस जे को बीटा से रिप्लेस कर दिया सैड आई को अल्फा से रिप्लेस कर दिया जे को बीटा से रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में उसने अल्फा बीटा के टर्म में पूछा हुआ है तो हुआ क्या एक्स डैश अल्फ़ा एक्स डैश बीटा कैंसल आउट ये हम चेंज कर सकते हैं इसका ध्यान रखना आपने क्यों क्योंकि आई की वेरिएशन में वन टू थ्री है जे की वेरिएशन में वन टू थ्री तो अपनी सुविधा के अनुसार हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम तो ये कैंसिल हो गए बी लैपटॉप विद ई डैश तो ई डैश अल्फा बीटा क्या बन गया ई आई जे एल अल्फाई एल बीटा जे ई आके नंबर दस आई थिंक यहाँ पर आके एक और क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट और अगर इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो इनवर्स में क्या हो जाएगा डैश की जगह डैश खत्म हो जाएगा और अल्फा आई बन जाएगा आई अल्फा इनवर्स उल्टा तो उल्टे में क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा अल्फा आई बन जाएगा आई अल्फा बीटा जे बन जाएगा जे बीटा और ई आई जे बन जाएगा ई डैश ई आई जे यहाँ डैश खत्म हो गया और यहाँ पर डैश आ जाएगा ठीक है तो नंबर सेवन और नंबर नाइन को यूज़ करते हुए नंबर सेवन और नंबर नाइन को यूज़ करते हुए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बन गई ई अल्फा बीटा इक्वल टू एल आई अल्फा एल जे बीटा ई डैश आई जे द सेट ऑफ क्वांटिटीज यहाँ के एक और क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है अब जो आगे वाला क्वेश्चन है ये अभी तक पूछा नहीं गया है अगर आप चाहें तो कर सकते हैं नहीं तो आप यहीं छोड़ सकते हैं इसको तो हम कर लेते हैं अगर पूछ सकता है पेपर में तो यू कैन डू ई तो ये बन गया आपका द सेट ऑफ ई आई जे ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर टेन नंबर टेन ये जो नंबर दस आई इसके अनुसार हम इस ई आई जे को ट्रांसफर कर सकते हैं इज सेट टू रिप्रजेंट कार्टिजन टेंसर ऑफ रैंक टू यहां नंबर दस वाई इट इज कार्टजन ऑफ रैंक टू क्योंकि यहां पर जितने डायरेक्शन को साइन इन्वॉल्व हो रहे हैं

ई आई जे एक्स जे कर लिया एक्स जे और करनी एक्स आई को लिख दिया हमने डेल्टा जे आई क्योंकि अगर आई और जे सेम होंगे तो उसकी वैल्यू वन होगी आई और जे डिफरेंट होंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होगी दिस इज डेल्टा जे आई ठीक है जी तो ई आई जे एक्स जे प्लस एक्स जे यहाँ पर डेल्टा जे आई यूज़ कर दिया मैंने एज आई इक्वल टू जे जैसे आई की वैली जे होगी तो ये बन जाएगा एक्स जे ये बन जाएगा वन तो ये बन जाएगा एक्स जे प्लस एक्स जे तो ये बन गया आपका टू टाइम ई आई जे एक्स जे तो अल्टीमेटली कर ली जे और कर ली एक्स आई बन गया ई आई जे एक्स जे और ई आई जे एक्स जे क्या था आपका ये था डेल्टा ए आई था ना ये ई आई जे एक्स जे होता है डेल्टा ए आई ठीक है जी नंबर वन में आप देख चुके हैं इसी में ई आई जे एक्स जेवल टू डेल्टा ए आई तो इसका मतलब ये हुआ गया कि ये जो चेंज थी आफ्टर डिफॉर्मेशन उस रेडिस वेक्टर में दैट इज गिवन बाई करली जीवर कर ली आई इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडिस वेक्टर है ये रेडिस वेक्टर यहां पर टेंजेंट लाइन का काम करेगा ये

अलॉन्ग द नॉर्मल टू देंजेंट ठ ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन सो सो इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन आपका यहीं खत्म होता है और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ थैंक यू थैंक यू वेरी मच